दूर किसी गांव में राधिका अपनी माँ मधुरिमा के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मधुरिमा के कंधों पर आ गई। मधुरिमा पढ़ी लिखी नहीं थी कि कहीं बढ़िया से नौकरी कर सके, लेकिन मधुरिमा सिलाई की कला में माहिर थी और उसके हाथ के सिले हुए कपड़े पूरे गांव में मशहूर थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी एक सिलाई की दुकान खोल सके, इसलिए मधुरिमा ने घर पर ही रहकर सिलाई का काम शुरू किया। वो कम दामों में लोगों के कपड़े सिला करती थी। सिलाई करके जो पैसे मिलते उसी से घर का गुजारा चल पाता था। मधुरिमा की बेटी राधिका अपनी माँ की तरह ही बहुत ही मेहनती थी। वो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। राधिका पढ़ने में बहुत होशियार थी। वो हर बार कक्षा में प्रथम आया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन मधुरिमा की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन फिर भी बड़ी ही मुश्किल से वो सिलाई कर रही थी। जब राधिका स्कूल से घर लौटी तो मनोरमा की हालत और भी ज्यादा खराब थी। वो बहुत जोरों से खांस रही थी। ये देख राधिका बोली, माँ आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है फिर भी आप सिलाई कर रही हो। चलिए उठिए यहाँ से और चलकर अपने कमरे में आराम कीजिए। आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती माँ। नहीं बेटी, आज मुझे ये फ्रॉक सिलकर तैयार करना है, वरना इसके पैसे नहीं मिलेंगे। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं ठीक हूँ। बस मामूली से खांसी ही तो है, सोने से पहले काढ़ा पी लूँगी। तुम्हारी कल स्कूल की फीस भी तो जमा करनी है। तुम जाओ, जाकर हाथ मुँह धोकर कुछ खा लो, मैं तब तक अपना काम निपटा लेती हूँ। ये कहते हुए मधुरिमा जोर जोर से खांसने लगी। नहीं माँ, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप जाकर कमरे में आराम करिए। मैंने आपसे थोड़ा बहुत सिलाई करना सीखा है, बाकी काम मैं कर दूंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी आखिरी परीक्षा शुरू होने वाली है, तुम उसकी तैयारी करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी कमी आए। माँ अभी परीक्षा शुरू होने में पूरा एक महीना बाकी है, मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी कर लूँगी। अब मेरी प्यारी माँ मेरी बात मान जाओ ना और जाकर आराम करो। लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। बेटा कल जमींदार की बेटी का जन्मदिन है, उन्हें एक सुंदर सी फ्रॉक सिलकर आज ही देना है। क्या तुम एक सुंदर सी फ्रॉक सिल पाओगी? हाँ माँ मैं सिल लूँगी। आप बस जाकर अपने कमरे में आराम करिए। अगर मुझे फ्रॉक सिलने में किसी चीज की दिक्कत आएगी तो मैं आपसे आकर पूछ लूँगी। उसके बाद मनोरमा अपने कमरे में कुछ देर के लिए आराम करने चली गई। वहीं राधिका बड़ी ही मेहनत से एक सुंदर सी फ्रॉक सिलने लगी और आखिरकार बड़ी ही मेहनत से राधिका ने एक सुंदर सी फ्रॉक सिलकर तैयार कर ली। फिर जब शाम को जमींदार की पत्नी सुलेखा अपनी बेटी का फ्रॉक लेने आई तो खुश होते हुए बोली, अरे वाह कितना सुंदर फ्रॉक सिला है तूने। सच में राधिका तुम्हारी माँ के हाथों में तो जादू है। मैंने इतनी सुंदर फ्रॉक सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों पर ही देखी है। कहाँ है तुम्हारी माँ, बुलाओ उन्हें। तभी मनोरमा कमरे से बाहर आते हुए बोली, अरे सुलेखा जी ये फ्रॉक मैंने नहीं मेरी बेटी ने सिला है। तुम्हारी बेटी ने? सचमुच बहुत ही सुंदर फ्रॉक सिली है, ये लो सिलाई के पैसे। ये कहते हुए जमींदार की पत्नी खुश होते हुए पैसे देकर वहाँ से चली गई। लेकिन उसी दिन से राधिका द्वारा सिला गया फ्रॉक पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब गांव की सभी औरतें अपनी लड़कियों के लिए राधिका से ही सुंदर सुंदर फ्रॉक सिलवाने लगी। अब राधिका पढ़ाई के साथ साथ समय निकालकर देर रात तक सुंदर सुंदर फ्रॉक सिलने लगी। फ्रॉक सिलकर उसे जो पैसे मिलते उससे वो माँ की दवाइयाँ और उनके लिए ताजे ताजे फल लाया करती। लेकिन उसकी माँ की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी, क्योंकि गांव में ना तो कोई अच्छा अस्पताल था ना ही डॉक्टर, और शहर के बड़े अस्पताल ले जाने के लिए राधिका के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर एक दिन मनोरमा राधिका से बोली, बेटी तुम दिन रात इतनी मेहनत करती हो, पढ़ाई के साथ साथ इतनी सुंदर सुंदर फ्रॉक भी सिलती हो, पर जो भी पैसे तुम कमाती हो सारे मेरी दवाइयों पर खर्च कर देती हो। लेकिन बेटी मुझे लगता है अब मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है।
माँ ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज आगे से ऐसा कुछ मत कहना, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा है ही कौन। अब बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको जल्दी शहर लेकर जाऊंगी, वहाँ बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं। अब जल्दी ठीक हो जाओगी माँ। नहीं बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर मधुरिमा ने अपनी अंतिम सांस ली। ये देखकर राधिका फूट फूट कर रोने लगी। पहले बाबा छोड़कर चले गए, अब आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? अब मैं अकेली दुनिया में क्या करूँगी? माँ माँ प्लीज वापस आ जाओ माँ। माँ के गुजर जाने के बाद राधिका बिल्कुल अकेली हो गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद राधिका ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला, फिर तैयार होकर स्कूल गई। स्कूल जाकर राधिका को पता चला कि आखिरी परीक्षा बस शुरू होने वाली है, और परीक्षा में बैठने से पहले फेस जमा करना अनिवार्य है, नहीं तो किसी भी बच्चे को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर राधिका सोच में पड़ गई। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, अब तो वो भी खर्च हो चुके हैं। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं स्कूल की फीस भर सकूं। स्कूल से घर आकर राधिका उदास बैठी हुई थी, तभी उसके घर में एक चंद्रमुखी नाम की एक महिला आई। मेरा नाम चंद्रमुखी है और मैं शहर से आई हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक सिलती हो। शहर में मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम है, क्या तुम मुझे सुंदर सुंदर फ्रॉक सिलकर दोगी? उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगी। ठीक है मैम साहब, मैं आपको इतने सुंदर सुंदर फ्रॉक सिलकर दूंगी कि आपकी दुकान के आगे कस्टमर की लाइन लग जाएगी। तो फिर ठीक है, मुझे एक हफ्ते के अंदर कम से कम 50 फ्रॉक सिल कर दो, मैं पेमेंट लेकर एक हफ्ते बाद आऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर चंद्रमुखी बड़ी सी कार में बैठकर वहाँ से चली गई। वही राधिका मन ही मन खुश होते हुए बोली, एक हफ्ते बाद मेरी परीक्षा भी शुरू होने वाली है, तब तक मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मैं भी परीक्षा में बैठ पाऊंगी। राधिका रात भर जाकर फ्रॉक सिलने लगी और एक हफ्ते के अंदर बड़ी ही मेहनत और लगन से 50 सुंदर सुंदर फ्रॉक सिलकर तैयार कर लिए। मैम साहब सुंदर सुंदर फ्रॉक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी और मुझे इसके अच्छे पैसे भी देंगी। चलो चलकर सो जाती हूँ, कई दिनों से ढंग से सोई नहीं हूँ। इतना कहकर राधिका अपने कमरे में जाकर सो गई। फिर अगली सुबह जब राधिका सोकर उठी और फिर नहा धोकर जैसे ही वो कमरे में गई तो उसका सिर चकरा गया। अरे इतने सारे चूहे इस कमरे में कहाँ से आ गए? हे भगवान, कहीं इन चूहों ने मेरी मेहनत तो बर्बाद नहीं कर दी। इतना कहकर राधिका ने जैसे ही उन सिले हुए फ्रॉक उठाकर देखा तो चूहों ने उन सभी फ्रॉक को जगह जगह से कुतर दिया था। इतनी मेहनत से रात भर बैठकर सिले हुए सभी फ्रॉक बेकार हो गए। अब मैं मैम साहब को क्या जवाब दूंगी? वो अपना ऑर्डर लेने आती ही होंगी। ये कहते हुए राधिका बहुत परेशान हो गई। तभी कुछ देर बाद चंद्रमुखी अपना दिया हुआ ऑर्डर लेने आई। फिर रोते हुए राधिका ने चंद्रमुखी को सारी बात बताई। चंद्रमुखी ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मेरे लाखों का नुकसान हो जाएगा, मुझे कहीं से भी 50 फ्रॉक ला कर दो, समझी? तुम्हारे चक्कर में मैं कई कस्टमर से एडवांस ले चुकी हूँ, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मुझे अभी के भी दोबारा से सारे फ्रॉक सिल कर दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है। पर मैम साहब, मैं इतनी जल्दी इतने सारे फ्रॉक एक दिन में कहाँ से सिल पाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का समय और देती हूँ, 2 दिन के अंदर सारे फ्रॉक सिल जाने चाहिए, समझी? ऐसा कहकर चंद्रमुखी राधिका को धमकाकर वहाँ से चले गई। भोली भाली राधिका चंद्रमुखी की बातों से डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो 2 दिन के अंदर में इतने सारे फ्रॉक कहाँ से सिल कर देगी। यही सब सोचते सोचते राधिका नदी के किनारे जा पहुँची। तभी उसे नदी के किनारे एक सोने की सीढ़ी दिखाई दी जो बादलों की ओर जा रही थी। अरे ये सीढ़ियाँ यहाँ कैसे आ गई? कल तक तो यहाँ कोई सीढ़ी नहीं थी, मैं इन सीढ़ियों पर चढ़कर देखती हूँ। इतना कहकर राधिका उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बादलों तक पहुँच गई। तभी वहाँ उसे 2 जादुई फ्रॉक घर दिखाई दिया जिसे देखकर वो चौंक गई। तभी पहले जादुई फ्रॉक घर में से आवाज आई, राधिका तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी
तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए इसी घर में रहना होगा। तभी दूसरे चौधरी फ्रॉक घर में से आवाज आई, राधिका लेकिन तुम्हें मेरे घर पर केवल उतना ही मिलेगा जितना कि तुम्हें जरूरत है, और तुम उन पैसों को अपने साथ घर ले जा सकती हो। मुझे ज्यादा धन का लालच नहीं है, इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है इंसान को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, इसलिए मुझे जितनी जरूरत है मुझे उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं। इसलिए मैं दूसरे चौधरी फ्रॉक के घर में जाऊंगी। उसके बाद जैसे ही राधिका उस चौधरी फ्रॉक घर में गई, उसे उस चौधरी फ्रॉक घर के अंदर ढेर सारे रुपए, सोना चांदी और खूब सारे सुंदर सुंदर फ्रॉक दिखाई दिए। ये सब देखकर राधिका हैरानी से बोली, हे चौधरी फ्रॉक घर, आपने तो कहा था कि इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा खजाना है। राधिका, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो जादुई सीढ़ियाँ बनवाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल रही, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम इस घर से जितना चाहे धन दौलत ले जा सकती हो। जादुई फ्रॉक घर की बात सुनकर राधिका बहुत खुश हुई और जादुई फ्रॉक घर का धन्यवाद कर सुंदर सुंदर फ्रॉक और कुछ पैसे लेकर घर लौट आई। और दो दिन बाद चंद्रमुखी जब अपना ऑर्डर लेने आई तो जादुई फ्रॉक घर से लाए हुए सभी फ्रॉक राधिका ने उन्हें दे दिए और स्कूल की फीस भी जमा कर परीक्षा में बैठ गई। राधिका इस बार भी हमेशा की तरह कक्षा में प्रथम आई। फिर बाकी बचे पैसों से राधिका ने अपना बुटीक खोला और नाम रखा मधुरिमा बुटीक, और पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह है सिंड्रेला परी बनी माँ की। तो आइए दोस्तों कहानी देखते हैं। एक गांव में मोहन अपनी गर्भवती पत्नी कविता के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। मजदूरी करके मोहन बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे घर का खर्चा चला पाता था। कुछ महीनों बाद कविता ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, जिनमें एक लड़की थी और दूसरा लड़का। अरे बेटा मुबारक हो, तुम्हारी बीवी को जुड़वा बच्चे हुए हैं, जिनमें से एक लड़की और एक लड़का है। दाई माँ की बात सुन मोहन मन ही मन बहुत दुखी हो गया। हे भगवान, यह जुड़वा बच्चे कैसे हो गए, ऊपर से एक लड़की। मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है, मैं दो बच्चे कैसे पालूंगा। फिर मोहन पत्नी कविता के उठने से पहले उस नवजात बच्ची को गोद में लेकर जंगल की ओर चला गया। बच्ची उसकी गोद में रोए जा रही थी। बेटी, मैं तुझे तेरी माँ से अलग कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मैं अपनी गरीबी के कारण दो बच्चों का बोझ नहीं उठा सकता। फिर मोहन उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे छोड़कर वहाँ से चला गया। मोहन के जाने के बाद उस बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल नींद से जाग गई। कौन है जो इतना जोर जोर से रो रहा है, जो मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रहा। इतना कहकर चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरी तो उसने पेड़ के नीचे बच्ची को देखा तो वो खुश होते हुए बोली, इंसानों की बच्ची, आज तो खाने का इंतजाम हो गया। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस बच्ची की तरफ बढ़ी तभी अचानक वहाँ एक परी आ गई। उस परी का नाम था सिंड्रेला। रुक जा दोस्त चुड़ैल, तू उस बच्ची को क्यों मार रही है, तुझे छोटी सी बच्ची पर जरा सी भी दया नहीं आती, देख कितनी मासूम है ये बच्ची। हट जा परी मेरे रास्ते से, मुझे मेरा शिकार करने दे। फिर सिंड्रेला परी और चुड़ैल के बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें चुड़ैल सिंड्रेला परी से हार गई। आज तो तूने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, अपना बदला लेने जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली गई। सिंड्रेला परी ने उस रोती हुई बच्ची को गोद में उठाते हुए कहा, वाह कितनी प्यारी बच्ची है, ऐसे कोई कैसे भला किसी बच्ची को जंगल में मरने के लिए छोड़ सकता है, इंसान में कितना निर्दय हो गया है। तभी वो बच्ची भी सिंड्रेला परी की गोद में आकर चुप हो गई और सिंड्रेला परी को देखकर मुस्कुराने लगी। कितनी प्यारी मुस्कान है तुम्हारी, मैंने फैसला कर लिया है, चाहे इंसान ने इसे छोड़ दिया हो, लेकिन मैं इस बच्ची को माँ की कभी कमी महसूस होने नहीं दूंगी, मैं पालूंगी इसे।
उसके बाद सिंड्रेला परी एक साधारण औरत का रूप लेकर उसी गांव में रहकर बच्चे को पालने लगी। बच्चे भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सिंड्रेला परी ने बच्चे का नाम रखा बानी। सिंड्रेला परी ने भी अपना नाम पार्वती रख लिया। बानी के असली माँ बाप भी उसी गांव में ही रहते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक रात जब बानी कमरे में अकेली सो रही थी, तब चुड़ैल बानी को चुपके से उठाकर अपने साथ ले गई। अब मेरा बदला पूरा होगा। इस परी ने मुझसे इस लड़की के लिए लड़ाई की थी ना, इस लड़की को मारकर मैं बदला लूंगी। चुड़ैल को बानी को इस तरह से ले जाते हुए गांव में रहने वाले दो आदमियों ने देख लिया। अरे देखो भैया, बानी बिटिया को चुड़ैल उठाकर ले जा रही है। चलो चलो जल्दी से पार्वती बहन को बताते हैं। फिर दोनों दौड़ते हुए बानी के घर पहुँचे और जोर जोर से पार्वती को पुकारने लगे। पार्वती बहन, पार्वती बहन, बाहर आओ, तुम्हारी बेटी को चुड़ैल उठाकर ले गई है। उस चुड़ैल को मैं जानती हूँ, उस चुड़ैल ने अच्छा नहीं किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर पार्वती अपने असली रूप यानी परी के रूप में आ गई। सभी लोग सिंड्रेला परी को देखकर हैरान हो गए। इतने में वहाँ मोहन और कविता भी आ गए। अरे पार्वती बहन, तुम एक परी हो? हाँ, मैं परी हूँ। इस मासूम बच्ची के कारण इंसानी रूप में तुम लोगों के बीच में रह रही थी। जब उसे कोई छोड़ गया था मरने के लिए जंगल में, तब से लेकर आज तक मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। सिंड्रेला परी की बात सुनकर मोहन रोते हुए बोला। वो बदनसीब बाप मैं हूँ। मेरी बीवी कविता के दो जुड़वा बच्चे हुए थे, लेकिन मैंने अपनी गरीबी के कारण बानी को जंगल में ही छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने एक माँ से उसके बच्चे को छीना है, अब मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। तुम चिंता मत करो कविता बहन, मैं बानी को लेकर ही आऊंगी, चाहे मुझे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। सिंड्रेला परी के जाने के बाद गांव के पुजारी ने कहा, हमें भी कुछ करना होगा, हमें परी की मदद करनी चाहिए। ये कहते हुए पुजारी गांव वालों के साथ जंगल की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में सिंड्रेला परी चुड़ैल को ललकारने लगी। बाहर निकल, ओ चुड़ैल, कहाँ छुपा रखा है मेरी बेटी को, बाहर निकल तू। आ गई तू, मुझे पता था तू जरूर आएगी अपनी बेटी को बचाने, लेकिन अब की बार तू मुझसे नहीं बच पाएगी, क्योंकि इतने सालों में मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। इतना कहकर चुड़ैल ने सिंड्रेला परी को रस्सियों से बांध दिया। तभी बानी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। चुड़ैल जी, मेरी माँ को मत मारो, यह जो भी हो मुझे नहीं पता, यह सिर्फ मेरी माँ है, प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। तभी वहाँ गांव वालों के साथ पुजारी भी पहुँच गए। रुक जा चुड़ैल, बहुत परेशान कर लिया तूने इन दोनों को। ऐसा कहकर पुजारी जी ने चुड़ैल पर गंगा जल छिड़का। गंगा जल छिड़कते ही चुड़ैल का शरीर जलने लगा और कुछ ही देर में जलकर चुड़ैल भस्म हो गई। फिर सिंड्रेला परी बानी का हाथ पकड़कर कविता के हाथ में दे देती है और जाने लगती है। लेकिन बानी सिंड्रेला परी का हाथ पकड़कर बोली, माँ तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम ही मेरी माँ हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। सभी गांव वालों के जोर देने पर सिंड्रेला परी बानी की माँ पार्वती बनकर उसी गांव में रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।